नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस वीडियो में मैं आपको स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से अवगत कराता हूं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले कवर की बात करें तो वारी है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि साल 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन यानी कि 50 खरब डॉलर के स्तर तक ले जाने में रक्षा उद्योग का विशेष योगदान हो सकता है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ानी होगी। उन्होंने इस बात को ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार मेक इन इंडिया के तहत कुछ कार्यक्रमों को लागू करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए डिजिटल इकोनॉमी और मानव पूंजी को बढ़ावा देने की नीति को लागू किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने प्राइवेट सेक्टर उद्योग से आग्रह किया कि अपनी नई उभरती हुई संभावनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार और उद्योग जगत के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि प्राइवेट सेक्टर को अब डिफेंस सेक्टर में आना पड़ेगा और यहाँ पर एक तालमेल बनाने के लिए भारत सरकार जितना हो सके संभव प्रयास भी करेगी। और दोस्तों ये काफ़ी अच्छा भी एक मौका है कि अगर भारत का रक्षा जो निर्यात है वो बढ़ जाता है तो इससे ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत सरकार उचित कदम उठाए ताकि प्राइवेट सेक्टर और सरकार जो क्षेत्र के सेक्टर है उनके बीच बेहतरीन तालमेल हो सके और इससे हमारी सेनाएं सशक्त होंगी। यही नहीं, हम विदेशी देशों को भी अपने जो हथियार है उनको बेच सकेंगे क्योंकि भारत के रक्षा सामान पर दुनिया भरोसा करती है। यहाँ चीन वाले हालात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर आ रही है हथियार आयात को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश नहीं रहा। जी हाँ, और इसमें भारत ने एक तरह से रूस को झटका दिया है। हथियार की खरीद में भारत की जगह अब खाड़ी देश खास करके सऊदी अरब ने ले ली है। विश्व के टॉप 5 हथियार आयातक देशों की सूची में भारत अब दूसरे नंबर पर है। इस सूची में तीसरे नंबर पर इजिप्ट यानी कि मिस्र, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें स्थान पर चीन है। ये शीर्ष 5 देश दुनिया के कुल हथियारों का 36% आयात करते हैं। हथियारों की निगरानी करने वाली स्टॉकहोम की संस्था सिप्री ने वर्ष 2015 से 19 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात इस वक्त अमेरिका कर रहा है। इसके बाद रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन है। नई डेटा के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार पश्चिमी एशिया के देश खरीद रहे हैं। हथियारों के निर्यात के मामले में अमेरिका और फ्रांस दोनों ने काफी बढ़त हासिल की है। अमेरिका का कुल हथियार निर्यात 23% तक का बढ़ गया है। दुनिया के कुल हथियार निर्यात में अमेरिका का हिस्सा बढ़कर 36% हो गया है। सबसे मजेदार बात यह है कि अमेरिका ने कुल जितने हथियारों का निर्यात किया है उसमें से आधा पश्चिम एशिया को गया है और उसमें सऊदी अरब सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बना है। भारत ने हथियार की खरीद के मामले में रूस को झटका दिया है। भारत के इस झटके का असर रूस के निर्यात पर साफ देखा जा रहा है। रूस का कुल हथियार निर्यात 18% घट गया है। रूस ने इजिप्ट यानी कि मिस्र और इराक को हथियार बेचे हैं, लेकिन इससे भारत से होने वाले घाटे की कमी नहीं हो पाई है। हथियार की खरीद में हमारा प्रतिद्वंदी पाकिस्तान इस वक्त 11वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि कई ऐसे देश हैं जो भारत और पाकिस्तान दोनों को हथियार देते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो ग्लोबल रिपोर्ट आई है वो काफी फायदेमंद भारत के लिए हो रही है क्योंकि दोस्तों हमारी जो हथियार पर जो निर्भरता थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। हम इस वक्त दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, लेकिन अब भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम को इसीलिए भी तेजी दे रहा है क्योंकि भारत को अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि भारत स्वदेशी रूप से अपने हथियारों को विकसित कर सकता है और उनका निर्यात कर सकता है। यानी कि आने वाले समय में भारत इन टॉप 5 देश जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं उनकी लिस्ट से भी बाहर हो जाएगा। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। दोस्तों अगली खबर की अगर बात करते हैं तो वो आ रही है HAL को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में हल्के लड़ाकू विमान तेजस और सैन्य हेलीकॉप्टर बनाने वाली भारत की एरोस्पेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका में अपने लॉजिस्टिक बेस स्थापित करने जा रही है। HAL के R माधवन जो कि अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक है, उन्होंने कहा कि HAL 4 देशों में लॉजिस्टिक बेस बनाने पर विचार कर रहा है क्योंकि वे कई रूसी मूल के सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी जो सेवा है यानी कि जिनकी सर्विस है वो बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि HAL अब गंभीरता से सरकार की प्राथमिकता के साथ निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और तेजस और अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्मों को बेचने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका की भारत ने पहचान भी कर ली है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगले 5 सालों में भारत को $5 बिलियन का रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित करना है।
और सभी प्रमुख सैन्य निर्माताओं को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने को भी कहा है। एचएल ने कहा कि हम मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका में रखरखाव की सुविधा स्थापित कर रहे हैं। हम उन्हें बहुत कुछ सहायता दे सकते हैं क्योंकि ये देश भारत के लिए बहुत से प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया के कई देश अपने प्रमुख उत्पादों को खरीदने के लिए एचएल के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि तेजस पर बहुत से देशों की नजर बनी हुई है क्योंकि ये जो फाइटर जेट है वो 4.5 जनरेशन का है, जो अपनी श्रेणी का सबसे बेहतरीन जेट माना जा रहा है। और कहा कि तेजस का जो लाइफ साइकिल है वो 30 साल कम से कम होगी। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने पहले ही 40 तेजस के लिए एक ऑर्डर दिया है। यानी कि दोस्तों अब भारत की नजर मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका के देशों पर बन गई है। और दोस्तों ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि वो लोग कई तरीके के जो प्लेटफॉर्म है वो भारत का इस्तेमाल करते हैं और इस मामले में जो रूस है वो पिछड़ता जा रहा है। भारत अगर वहाँ पर अपनी सुविधाएं स्थापित करता है, लॉजिस्टिक सुविधाएं स्थापित करता है, तो इससे भारत के निर्यात को तो बढ़ावा मिलेगा ही और साथ ही साथ इससे भारत का जो हथियार निर्यात है वो भी बढ़ जाएगा। दोस्तों ये एचएल की तरफ से बहुत अच्छी बात सामने आई है। दोस्तों वहीं अगर अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है रूस को लेकर। जी हाँ, रूस T-90S मेन बैटल टैंक को किट के साथ भारत को आपूर्ति करने के लिए तैयार है। 2019 में दिसंबर 2028 तक T-90S मेन बैटल टैंक के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए अनुबंध का विस्तार करने के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ उसने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और 409 वाहनों द्वारा उसकी संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया। बदले में भारत के रक्षा मंत्रालय ने अवाड़ी में हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ एक ऑर्डर दिया ताकि अतिरिक्त 464 टैंकों को बनाया जा सके। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि T-90S भारत के ग्राउंड फोर्सेस के साथ सेवा में मेन बैटल टैंक है। यानी कि आप यहाँ पे रूस स्पेयर पार्ट्स को भी भारत को साथ के साथ देना चाहता है, जिसके लिए वो हमेशा से अड़चन खड़ा करता रहता है क्योंकि उसको पता है कि भारत उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए भारत को सपोर्ट करना रूस का बनता है। और अगर ऐसा नहीं करता तो भारत के पास ऑप्शंस बहुत है और भारत अपने अर्जुन मेन बैटल टैंक पर भी काम कर ही रहा है और उसके उन्नत संस्करण को भी डेवलप कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर रूस को चुनौती मिल ही रही है। अगली खबर की अगर हम बात करते हैं तो वारी है भारतीय नौसेना को लेकर। जी हाँ, भारतीय नौसेना जल्द ही समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लिए समुद्र में निगरानी और टोही भूमिका निभाने के लिए करीबन 15 नेवल शिप बॉर्न ड्रोन्स खरीदेगी। भारतीय नौसेना ने 24 फरवरी को एक RFI जारी की है और 4 हफ्ते के भीतर जो इंटरेस्टेड कंपनियां हैं यानी कि इच्छुक कंपनियां हैं, खासकर की जो वैश्विक कंपनियां हैं, उनसे जवाब मांगा है। आपको बता दें कि ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ही खोला गया है। आपको बता दें कि नेवल शिप बॉर्न अनमैन एरियल सिस्टम यानी कि NSUAS का इस्तेमाल निगरानी और टोही, सी लाइन और कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग एंड कोस्टल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलांस, एंटी पायरेसी और एंटी टेररिज्म के अलावा सर्च एंड रेस्क्यू में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भारत की समुद्री डोमेन में एक क्षमता बढ़ जाएगी। नेवल शिप बॉर्न अनमैन एरियल सिस्टम को एक जहाज से लॉन्च किया जाएगा। भारतीय नौसेना को अनुमान है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 12 महीने के भीतर हर महीने उसे ये प्रणाली वितरित की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर नासा को लेकर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि धरती के अलावा आप अंतरिक्ष में भी सब्जियां उगाई जाने लगी है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंतरिक्ष में एक सब्जी उगाई है। ये सब्जी है लेट्स, जिसे ज्यादातर सलाद व बर्गर में इस्तेमाल किया जाता है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष में उगाई गई लेट्स धरती पर उगने वाले लेट्स से ज्यादा पौष्टिक है। नासा का कहना है कि अंतरिक्ष में उगने वाले कई पौधों में धरती की तुलना में पोटेशियम, सोडियम, जिंक जैसे पोषक तत्व ज्यादा पाए गए हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने ये सब्जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सेरेमिक मिट्टी रेड लाइटिंग युक्त बंद बक्सों में उगाई है। इंजेक्शन के जरिए इसमें पानी दिया जाता था। इसे उगकर पूरी तरह से तैयार होने में 33 से 56 दिनों का समय लगा। इसे उगने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने खाकर इसका स्वाद चखा और कुछ को डीप फ्रीजर में संभाल कर धरती पर वापस भी ले आए हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।